फ्राग ऐतिहासिक उली मेमोथ को छोड़कर यकीनन ग्राउंड स्लॉथ जिसे मेगाथेरियम अमेरिकन भी कहते हैं विशालकाय स्तनधारियों में सबसे प्रसिद्ध थे जो कभी डायनासोर के पतन के बाद इस ग्रह पर घूमते थे। वर्तमान समय के स्लॉथ अपेक्षाकृत छोटे स्तनधारी है। वे लंबाई में 1 मीटर से भी कम, वजन में लगभग 5 किलोग्राम और अपना अधिकांश समय पेड़ों की शाखाओं से लटके हुए बिताते हैं। वे वर्तमान में दक्षिण और मध्य अमेरिका तक ही सीमित है। स्लॉथ अपने कम ऊर्जा स्तर और धीमी गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वर्तमान समय के विपरीत अधिकांश विलुप्त स्लॉथ जमीन पर ही रहते थे और आधुनिक पेड़ों पर रहने वाले स्लॉथ से कई गुना बड़े हुआ करते थे। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका द इनक्रेडिबल ट्यूब पर। आज हम इस वीडियो में विशालकाय प्रागैतिहासिक ग्राउंड स्लॉथ के बारे में जानेंगे। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रागैतिहासिक ग्राउंड स्लॉथ यानी कि मेगाथेरियम अमेरिकन आज के जीवित स्लॉथ के आकार से 10 गुना तक बड़े हुआ करते थे, जिसका वजन 4 टन जो आज के हाथी के समान है। अपने पिछले पैरों पर मेगाथेरियम अमेरिकन पूरे 12 फीट लंबाई तक खड़े होने में सक्षम थे। इसके दांतों के रासायनिक विश्लेषण के माध्यम से इसकी पुष्टि की गई है कि इस जीव ने अपने पूरे जीवन के दौरान क्या खाया है। अपने शानदार पंजे के बावजूद मेगाथेरियम अमेरिकन एक शाकाहारी था। मेगाथेरियम के जीवाश्म मध्य प्लेस्टोसिन एपोक लगभग 4 लाख साल पहले से लेकर होलोसिन एपोक लगभग 8,000 साल पहले की शुरुआत तक के टाइम पीरियड से पाए गए हैं और इनके जीवाश्म की शोध से पता चलता है कि मेगाथेरियम एक ऐसा प्रागैतिहासिक जीव था जो होलोसिन एपोक के शुरू होने से पहले ही पृथ्वी से विलुप्त हो गए थे और ये वो टाइम पीरियड था जिसमें पृथ्वी पर मानव सभ्यताओं की शुरुआत हुई थी। कुछ शोधकर्ताओं का ये भी कहना है कि वो समय मनुष्य के साथ ओवरलैप जरूर हुई होगी क्योंकि मेगाथेरियम के जीवाश्म पर कटे हुए निशान पाए गए हैं, तो ये सुझाव देते हैं कि ये विशाल स्लॉथ हजारों साल पहले मानव द्वारा शिकार किए जाते थे। ऐसा माना जाता है कि लगभग 10,000 साल पहले विशाल ग्राउंड स्लॉथ अंतिम आइस एज के दौरान विलुप्त हो गए थे। उनके विलुप्त होने का सटीक कारण अभी भी वैज्ञानिकों के बीच बहस का विषय है, लेकिन कुल मिलाकर ये संभावना है कि जलवायु में परिवर्तन, मानव गतिविधि और संभवतः बीमारी ग्राउंड स्लॉथ के विलुप्त होने में मुख्य योगदान दिया था। सो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इस आकर्षक जानवर के बारे में कुछ नया सीखा होगा। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।